Brought to you by ITIL. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीएसपी ने उम्मीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में सबसे बड़ा खेल हुआ मैनपुरी सीट पर, वही सीट जहां से अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। मायावती ने सीट से गुलशन देव शाक्य का टिकट काटकर शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बीच जैसे ही गुलशन देव शाक्य का टिकट कटा, वो बिना मौका गवाए अखिलेश यादव की मौजूदगी में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। मैनपुरी सीट पर नामांकन से दो दिन पहले गुलशन देव शाक्य का टिकट काटकर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार क्यों बदला, अब जरा इसके पीछे की कहानी को भी समझ लेते हैं। दरअसल मैनपुरी सीट से बीएसपी ने प्रत्याशी बदलने की तैयारी एक दिन पहले ही कर ली थी। बसपा ने पहले शाक्य चेहरे के रूप में गुलशन देव शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन से पहले 15 अप्रैल को उनको लखनऊ बुला लिया गया। यहां उन्हें नामांकन ना दाखिल करने के लिए कहा गया। इस बीच अगले दिन यानी 16 अप्रैल को बीएसपी ने गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया और डिंपल यादव के सामने यादव चेहरा शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा। सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि बीएसपी ने अंतिम समय में उम्मीदवार कई बड़े कारणों की वजह से बदला। पहला कारण, पार्टी को ऐसी खबर मिली थी कि गुलशन देव शाक्य अंदर खाने से समाजवादी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। दूसरा कारण, पार्टी ने जाते समीकरण देखते हुए अंतिम समय पर उम्मीदवार बदलने का फैसला कर लिया। तीसरा कारण, ऐसा माना जा रहा है कि शाक्य की उम्मीदवारी से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता खुश नहीं थे, क्योंकि गुलशन देव शाक्य की राजनीतिक जमीन मैनपुरी में उतनी मजबूत नहीं थी जितनी होनी चाहिए। इन तमाम कारणों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि पार्टी को शक था कि शाक्य अंतिम समय में सपा को समर्थन देकर खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि जब गुलशन देव शाक्य से बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल होने पर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये शाक समाज पर बहुत बड़ा धोखा किया गया है। शाक समाज समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाला है जी, बिल्कुल। जब मैं आ गया हूँ तो मैंने ये भी आपके प्रेस में बोला था कि शाक समाज हमारे साथ है और शाक समाज आज भी मेरे साथ है। कल तक बीएसपी के उम्मीदवार आज जब समाजवादी पार्टी के नेता बन गए तो सवाल उठने लाजमी हो गए। यही सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में क्या हुआ कि बीएसपी उम्मीदवार गुलशन देव शाक्य के पार्टी छोड़कर सपा में आ गए, तो सुनिए वो क्या बोले। बीएसपी ने बीजेपी से मिलकर प्रत्याशी उतारा है और जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, आप इनका पता कर लो, बीजेपी के घर पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे, सुतन देव सिंह जी के घर पर बैठ करके बातचीत होती थी कि नहीं होती थी, और बड़े बड़े नेताओं ने इन्हें फाइनेंस करने का बेड़ा उठाया कि नहीं उठाया है। तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है तो शाक्य समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। इस बार मैनपुरी का शाक्य समाज का वोट एकजुट होकर के और जो लड़ाई पीडीए की है और संविधान बचाने की, अपने वोट के अधिकार को बचाने की, उसको बचाने के लिए वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगे। अखिलेश यादव जिस शाक्य समाज का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, मैनपुरी में उनके वोटों की कितनी ताकत है और समीकरण क्या कहते हैं, अब ये भी आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मैनपुरी सीट पर 17 लाख वोटर्स हैं। इसमें यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं, इनकी संख्या करीब 4.50 लाख है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं शाक्य वोटर्स। इस सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या है 3.25 लाख। साथ ही यहाँ 1.20 लाख दलित वोटर्स एंड मुस्लिम वोटर्स की संख्या है करीब 55,000। यानी सीधा सीधा गणित समझे तो बीएसपी ने यादव वोटर्स में सेंध लगाने के लिए अंतिम समय पर उम्मीदवार बदल दिया। फिलहाल अब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी ने यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को टिकट दिया है। सपा की ओर से डिंपल यादव चुनावी मैदान में और बीएसपी ने प्रत्याशी बदलकर शाक्य की जगह शिव प्रसाद यादव को यहाँ से मौका दिया है। अब माना जा रहा है कि बीएसपी का ये कैंडिडेट बदलाव अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है। फिलहाल मैनपुरी सीट से डिंपल यादव सांसद हैं और ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। सपा परिवार के लिए सीट बेहद खास रही क्योंकि साल 1996 के बाद से मैनपुरी में लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीएसपी ने जो समीकरण बदलने की सीट पर कोशिश की है उससे किसे और कितना फायदा होता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में पहुंचें तो बताइए अपनी लोकसभा सीट का नाम और ये भी कि कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। कहां पर बताना है, chunav@lalantop.com पर मेल कीजिए, सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भी ज़रूर भरें।
ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।